अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब सुलों के बाद हजरत मुआविया ने अपने बेटे को क्या है भाई खलीफा क्यों बनाया? हजरत मुआविया समझते थे कि इस वक्त ताकत और कुव्वत यजीद के हाथ में है। उनको नहीं मालूम था कि इसके दौरे हुकूमत में सैयदना हुसैन का कत्ल होगा। अगर हजरत मुआविया को मालूम होता, कभी भी किसी कीमत पे मेरा ईमान है कि हजरत मुआविया यजीद को अपना खलीफा नहीं बनाते। हजरत मुआविया आलिमुल गैब नहीं थे, तो इसलिए हजरत मुआविया पे कोई एतराज़ नहीं होता। तो ऐसे तो और भी लोगों पे होगा, फलां का बेटा ऐसा निकला। भाई अगर कोई है तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्या निकला था? काफिर निकला था ना। तो बाज़ लोग, कितने लोग हैं उनके दामाद दो नंबर हैं, हम कहते हैं यार तुमने ऐसे शख्स को बेटी क्यों दी जो दो नंबर? कह रहे हैं हमें नहीं पता था यार। तो हालांकि दामाद के इंतखाब में तो कितना सोच समझ के इंतखाब किया जाता है, तो खलीफा के इंतखाब में गलती नहीं हो सकती क्या? तो हजरत मुआविया ने उम्मत की खैरख्वाही इसी में समझी कि इसके पास ताकत है, पावर है, ये लोगों को जमा कर लेगा। बाकी उनको नहीं, अगर वो इल्म गैब होता वो कभी भी ये काम ना करते।